नमस्कार दोस्तों, आज मैं महिंद्रा थार जो हाल ही में नया लॉन्च किया हुआ है और गियर सिस्टम कैसे होगा इसके बारे में जानकारी। तो पहले तो वीडियो चालू करने से पहले आप देख लीजिए, ये दो तरह के लीवर हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जो हाई स्पीड चलाने के लिए 6 गियर तक आप हाई स्पीड चला सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक का गियर है और एक आर जो रिवर्स गियर का काम करता है उसके लिए नीचे से आपको पुश करके और दबा के देना पड़ता है। और एक छोटा लीवर है, उसमें आप देख सकते हैं जो फोर व्हील एल लो और न्यूट्रल, दूसरा में हाई और लो। वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। देख लीजिए इस वीडियो में, 4H मतलब फोर व्हील हाई और 4 2 2H मतलब टू व्हील हाई, और दबा के जैसे पुश करके दिखा रहे हैं जो छोटा लीवर में, उसमें आप उसी से दे, उसी तरह से दबा के दे। अभी मैं क्लस्टर में भी वो दिखता है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर दबा के देते हैं छोटा लीवर को, उसी तरह बड़ा लीवर में अगर बैक गियर देना हो की ज़रूरत पड़ती है तो नीचे से, जैसे कि आप देख लीजिए, ये देखिए ये ऊपर की ओर जाएगा तभी बैक गियर लेगा। ये देख लीजिए, बैक गियर डालने के लिए आपको ऊपर की ओर नीचे का बटन को ऊपर की ओर दबा के तभी बैक गियर लेगा रिवर्स, जो आर लिखा हुआ है एक के बगल में। आप इसको 6 गियर तक चला सकते हैं। और फोर व्हील के लिए आप अगर फोर व्हील में चला रहे हैं तो उसमें दिया हुआ है, क्लस्टर मीटर में भी इंडिकेट करता है। जो अभी मैं इंडिकेट करके देखा हूँ वो विंडो का है, दो जो राइट साइड लेफ्ट साइड में है, जैसा कि और सब गाड़ी में दिया हुआ रहता है, इसमें दो ही है। और ये जो टेम्परेचर मेंटेन के लिए दिया हुआ स्विच वॉल्यूम एसी का है, जो आप देख सकते हैं ये हवा के लिए, हवा आप कितना में चलाएंगे। एक तो बड़ा लेफ्ट साइड का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, दूसरा जो 4 तक जो हवा का रेस स्लो या हाई कर सकते हैं, और बाकी जो बटन है पुश बटन, उसमें उंगली कैसा इशारा से आपको बता रहा हूँ, मोड बटन है वो, तो चार्जर है, बाकी आप और सब गाड़ियों की तरह ही है। इसमें नया सिर्फ 6 गियर और बैक लगा के 7 गियर है, बाकी लीवर छोटा वाला में आप हाई चला सकते हैं, हाई चला सकते हैं। आपको ये छोटा वाला जो लीवर है उसमें आप क्लस्टर में भी इंडिकेट करता है, अभी मैं क्लस्टर को भी दिखाऊंगा। देखिए फोर व्हील में डालने के बाद जो हरा का सिग्नल आता है और बीच में जो क्लस्टर होता है
उसमें भी आपको दिखाई देगा, ये देख लीजिए। अभी मैं फोर व्हील में डाला था, फोर व्हील में तो चारों का फोर सिग्नल देता है चारों टायर का। जैसा कि आप देख लें, देखिए फिर मैं अभी फोर व्हील में डाला था, आपको दिखा रहा हूँ सर। आपको सिग्नल का भी क्लस्टर मीटर में भी दिखता है उसको, आपको देखिए फिर मैं डाला था फिर। लेकिन जब भी दबा के लगाएंगे तभी आपका गियर फोर व्हील में जाएगा। ये छोटा वाला लीवर है, इसी से ये पुश करना पड़ता है नीचे की ओर। और बड़ा लीवर में देख लीजिए, पुश करके मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसी को दबा के लगाना पड़ता है, आगे की ओर धकेलना पड़ता है। और एक लिखा हुआ है, न्यूट्रल भी लिखा हुआ है, इसमें सारा चीज उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के लिए आपको इसकी गियर लगाना पड़ता है, और बैक गियर लगाने के लिए इसको ऊपर की ओर पुश करके लगाना पड़ता है दोस्तों। देख लीजिए, ये क्लस्टर में सारा कुछ दिखाई भी देता है। इसको अच्छे से आप देख सकते हैं, और जो साइड में भी एक बटन दिया हुआ है गियर टाइप से। तो दोस्तों मीडर का है प्लास्टिक सिस्टम है, बाएं साइड घुमाएंगे तो लेफ्ट साइड का जो मीडर है वो एडजस्टमेंट होगा। जैसा कि मैं उंगली करके दिखा रहा हूँ, उंगली से सेट करके दिखा रहा हूँ। और राइट साइड अगर करेंगे राइट साइड का, देखिए मैं अभी राइट साइड किया तो राइट साइड का जो एडजस्टिंग है मिरर का वो होकर दिखता है। तो मिरर भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, और मिरर में भी जो एडजस्टिंग हो रहा है उसके बाद वो भी देख लीजिए। देखिए ऐसा ही सिस्टम दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो दोस्तों।